आपको याद होगा कि कल आपके क्लास सिक्स के लिए बच्चों को सर्वनाम चैप्टर पढ़ाया गया था पूरे डिटेल के साथ। आज मैं इसी सर्वनाम चैप्टर के प्रश्न को, अभ्यास कार्य को आपकी किताब में भर दे रहा हूँ। आप इसको अपने किताब में देख करके इसको मिलाएंगे। देखिए, आपकी किताब में मैंने इसको भर दिया है। अब यहाँ देखिए, इसमें पहला अभ्यास के पहले प्रश्न को, तो ये सब तो आप खुद से लिखेंगे। आप लोग को भी काम करना होगा। बाकी आपकी ज़रूरत के हिसाब से मैं आपको लिख करके भेज भी रहा हूँ, जिसमें दिक्कत होती होगी बच्चों को। इसमें है क्या कि सबसे पहले प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि सर्वनाम शब्द छाँट कर उसका भेद लिखना है। इस सेंटेंस में देखिए, सर्वनाम शब्द कौन सा है? तुम बैठ जाओ, तो इसमें से देखिए, तुम सर्वनाम का शब्द है। ये तुम कौन सा सर्वनाम है? तो मध्यम पुरुष सर्वनाम है। इस तरह से इन सारे को मैंने यहाँ लिख दिया है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न, अब आइए देखिए, इसमें सर्वनाम शब्द अपने तरफ से आपको भरना है। तो शब्द में पूर्ति निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति सर्वनाम से करना है। अब देखिए, क्या वह भाई है? तो तुम्हारा भाई है। ये सारे शब्द सर्वनाम के हैं, जिसको अपने से भरना था। उसके बाद इसमें है सर्वनाम शब्द पर गोला बनाना है। तो देखिए, एक सेंटेंस में दो दो सर्वनाम कहीं हैं, कहीं एक ही सर्वनाम है, तो जहाँ दो है उसको दो में घेरा लगाइए, जहाँ एक है वहाँ एक में। उसके बाद यहाँ है सर्वनाम शब्द को सही मिलान करना, कि कौन सा शब्द सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है, इसको मिलान करना है। तो ये भी मैंने आपके लिए बना के दिया है। अब आप इसको आप लोग किताब से स्क्रीनशॉट कर ले। इसके बाद इधर आ जाइए इस पन्ने पर, तो इसमें रंगीन शब्द जो है, इसका सर्वनाम आपको बताना है कि इसका सर्वनाम बदल करके, ये संज्ञा का शब्द है, इसको सर्वनाम में बदलना। मैंने कहा था कि एक सेंटेंस में कई जगह एक ही संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, जिससे वाक्य अटपटा हो जाता है। तो कबीर बोला, माँ कबीर ने इससे पहले यह काम कभी नहीं किया। कबीर बोल भी रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मैंने इससे पहले यह काम कभी नहीं किया, यह मुझसे कैसे होगा? इस तरह से सेंटेंस को आप भर लेंगे। मैंने सिर्फ सर्वनाम को लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें भी जहाँ जहाँ तुम यहाँ से जाओ, इसमें तुम शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तीन तरह के सर्वनाम होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में तीन तरह के सर्वनाम मैंने पढ़ाया था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब कहने वाला, मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला, और अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में कहा जाए। तो इस तरह से यहाँ आप इसको देख करके इसको बनाएंगे।